हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे आउटसाइड मिलिंग ऑपरेशन के बारे में। आउटसाइड मिलिंग ऑपरेशन के अंदर फर्स्ट में आपका है प्लेन मिलिंग। जनरली प्लेन मिलिंग आपका टू टाइप, एक है स्लैब मिलिंग और एक है आपका एंड मिलिंग। देखो, स्लैब मिलिंग ऑपरेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर मिलिंग ऑपरेशन, क्योंकि इस ऑपरेशन में हम कोई भी कॉम्पोनेंट का साइज रिड्यूस करते हैं। और कॉमन एग्जाम्पल आपका लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस। बट इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको स्लैब मिलिंग ऑपरेशन करना है तो उसके लिए स्पेशल कटर यूज करना है। तो यहाँ पे कुछ वीडियो एंड फोटोज आप देख सकते हो स्लैब मिलिंग ऑपरेशन विथ उसका कटर्स के बारे में। डिफरेंट डिफरेंट कटर्स यूज करते हैं स्लैब मिलिंग के लिए। नेक्स्ट, अगर आप कोई भी मिलिंग ऑपरेशन कर रहे हो उसमें एंड मिल यूज करके, तो वो ऑपरेशन आपका एंड मिल ऑपरेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख सकते हो आप एंड मिल का फोटोस एंड एंड मिलिंग ऑपरेशन का कुछ वीडियोस। देखो, टाइप्स ऑफ मिलिंग ऑपरेशन से पहले और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है ऑफ मिलिंग एंड डाउन मिलिंग। ऑफ मिलिंग, ऑफ मिलिंग ऑपरेशन में कटर आपका रोटेट होता है फीट का एग्नेस्ट डिरेक्शन में, और ऑफ मिलिंग को कन्वेंशनल मिलिंग ऑपरेशन कहते हैं। और एक बार देख लीजिए, ये है आपका कटर, ये जो येलो कलर पे दिया है ये है आपका कटर है, और कटर आपका रोटेशन हो रहा है घड़ी का डायरेक्शन में। घड़ी जैसे डायरेक्शन में आपका रोटेट होता है, सेम डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कटर रोटेट हो रहा है। और आपका जो फीड है, फीड भी सेम आपका उसका एग्नेस्ट में जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, फीड आपका एरो मार्क कैसे दिया है और कटर का एरो मार्क कैसे दिया है। तो फीड जैसे आपका कटर का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कटर आपका रोटेट हो रहा है, उसके साथ फीड उसके साथ जा रहा है, तो उसका एग्नेस्ट में जा रहा है फीड आपका। तो ये हो गया आपका ऑफ मिलिंग। तो यहाँ पे ऑफ मिलिंग ऑपरेशन का एक वीडियो देख सकते हो, ये है आपका कटर है और आपका जो कटर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो इसका एरो मार्क आप देख लीजिए। उसके बाद आपका जो फीड है उसका एग्नेस्ट में जा रहा है, फीड उसका एग्नेस्ट में जाता है हमेशा ऑफ मिलिंग ऑपरेशन में। तो अच्छा तरह से ये वीडियो देख लीजिए ऑफ मिलिंग ऑपरेशन कैसे होता है। नेक्स्ट, डाउन मिलिंग। इन डाउन मिलिंग द कटर रोटेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ फीड। देखो, डाउन मिलिंग ऑपरेशन में मान लो ये आपका कटर है, कटर का आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है और उसका एरो मार्क आपका रेड कलर पे यहाँ पे दे दिया, आप देख सकते हो उसका जो एरो मार्क ये है आपका कटर का डायरेक्शन। उसके नीचे आपका जो फीड का डायरेक्शन वो सेम ही रहता है। हमेशा याद रखना, डाउन मिलिंग में कटर का डायरेक्शन, कटर आपका क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है और उसका जो डायरेक्शन रहता है सेम डायरेक्शन में आपका फीड भी रहता है। बट अप मिलिंग में उसका अपोजिट है, तो डाउन मिलिंग में कटर का जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन में आपका फीड रहता है। यहाँ पे अप मिलिंग ऑपरेशन का अदर नेम आपका कन्वेंशनल मिलिंग था, सेम डाउन मिलिंग ऑपरेशन का अदर नेम आपका क्लैम्प मिलिंग, CLAMB, क्लैम्प मिलिंग। नेक्स्ट पॉइंट आपका ऑफ मिलिंग के लिए, जब भी आप ऑफ मिलिंग ऑपरेशन कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आपका चिप का जो विड्थ वो कम रहता है, बाद में वो थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा हो जाता है। हमेशा याद रखना, ऑफ मिलिंग में आप जब भी स्टार्टिंग कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आपका चिप का विड्थ कम रहता है। बट उसका अपोजिट डाउन मिलिंग, डाउन मिलिंग में आप जब भी स्टार्टिंग करते हो तो चिप का विड्थ आपका ज़्यादा रहता है, बाद में वो कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑफ मिलिंग ऑपरेशन में कटिंग हिट वर्कपीस में जाता है, इसलिए वर्कपीस का प्रॉपर्टी चेंज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। बट डाउन मिलिंग में कटर जो कट करता है उसी का ऊपर हीट ट्रांसफर होता है, मीन्स आपका चिप का ऊपर। तो आपका जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट का कोई भी प्रॉपर्टी चेंज होने का चांसेस नहीं है, क्योंकि वो जो चिप्स है वो चिप्स अलग हो जाता है कंपोनेंट से। नेक्स्ट पॉइंट, ऑफ मिलिंग के लिए रिक्वायर्ड मोर कटिंग फोर्स। आप अगर आप कटिंग फोर्स ज़्यादा कर रहे हो मीन्स आपका टूल लाइफ रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन ऑफ मिलिंग में एक एडवांटेज ये है कि आपका गुड फिनिशिंग, गुड सरफेस फिनिशिंग आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, डाउन मिलिंग में आपका रिक्वायर्ड लेस कटिंग फोर्स। लेस कटिंग फोर्स मीन्स आपका टूल लाइफ इंक्रीज हो जाएगा बट आपका फिनिशिंग कम आएगा। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ऑफ मिलिंग एंड डाउन मिलिंग का। नेक्स्ट, स्टेप मिलिंग। स्टेप मिलिंग ऑपरेशन में लेंथ और विड्थ वो दोनों डिक्रीज करना है बाय सम टेक स्टेप, मीन्स एक स्टेप में आप 1 mm कट किया, उसके बाद और 1 mm, उसके बाद और 1 mm, इसी तरह स्टेप स्टेप लेकर अगर आप कट कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो लेंथ और
विड्थ, तो उसको हम स्टेप मिलिंग ऑपरेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए है हाउ टू प्रोग्राम प्लेन मिलिंग एंड स्टेप मिलिंग ऑपरेशन। ब्लॉक का जो साइज है 105 × 105 × 35। इस वीडियो के लिए आपको ओनली हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन प्रेस करना है। हाँ, इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। थैंक यू, मिलेंगे आपका चौथे वीडियो में। टाटा।